नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व विरासत दिवस की, जिसे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। दुनिया भर में कई ऐसी विश्व विरासत या धरोहर है जो वक्त के साथ जर्जर होती जा रही है। इन विरासतों के सोने जैसे इतिहास और इसके निर्माण को बचाए रखने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। दरअसल सालों पहले हुए निर्माण वक्त के साथ बूढ़े होने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि वह अपनी निर्मित स्थिति में बने रहें और उनकी जर्जर होती अवस्था को सुधार कर सालों साल उसी स्थिति में बरकरार रखा जाए। इसलिए विश्व धरोहर दिवस मनाकर इस उद्देश्य को बरकरार रखा जाता है। विश्व धरोहर दिवस को विश्व विरासत दिवस भी कहते हैं। हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसे शुरुआत में विश्व स्मारक दिवस के तौर पर मनाया जाता था। हालांकि यूनेस्को ने इस दिन को विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस के रूप में बदल दिया। बात करें विश्व धरोहर दिवस के महत्व की, तो हर देश का अपना अतीत और उस अतीत से जुड़ी कई सारी गौरव गाथाएं हैं। इन गौरव गाथाओं की कहानियां बयां करती हैं वहां स्थित तत्कालिक समय के स्मारक और धरोहर। युद्ध, महापुरुष, हार जीत, कला संस्कृति आदि को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करने के साथ ही उनके सबूत के तौर पर इन स्थलों को सदैव जीवित रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। दोस्तों, अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।